तुर्किश डिजाइन का ये मॉडर्न टाइप का फर्नीचर बना हुआ है। इसके अंदर तुर्किश फैब्रिक का जो है वो हमने फैब्रिक यूज किया हुआ है तुर्किश। उसके अलावा इसके अंदर डिजाइन देखें, बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बनाया हुआ, बहुत ही डिसेंट सा। इसके साइड के अंदर देखें बॉर्डर वगैरह टोटल ब्रास का काम हुआ हुआ है, बहुत ही ज्यादा यूनिक लुक दे रही है साइड टेबल्स को। ऊपर ग्लास का टॉप दिया हुआ है, स्क्वायर बना के पूरा फिक्स होगी ग्लास अंदर जो उसके अंदर बॉर्डर के अंदर पैक हो जाता है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल प्लेन ब्रास का पूरे बॉर्डर के ऊपर जो ये सब ब्रास है, टोटल ब्रास लगा हुआ है, एक्रेलिक नहीं है। ठीक है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ वीडियो के अंदर कि ये ब्रास का काम हुआ है। ब्रास जो है वो एक्रेलिक से काफी महंगी होती है। ठीक है, इसके अंदर हमने पूरा बॉर्डर का ब्रास का काम हुआ है, टोटल भी ब्रास बनी हुई है, टोटल इस पे भी ब्रास, टोटल फर्नीचर के ऊपर ब्रास का काम हुआ है। इसके अलावा इसकी ड्रेसिंग टेबल का जो नीचे का चेस्टर है उसके ऊपर भी ब्रास का काम हुआ, वो भी कलम बना के लगाया हुआ है। ऐसा नहीं कि सीधी आड़ी टड़ी काट के कारीगर ने, किसी प्रोफेशनल कारीगर का वर्क होता है इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है राहिल शेख, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रास मार्केटिंग। तो व्यूअर्स एक बार फिर से मौजूद हूँ फर्नीचर सिटी चैप्टर 3 के ऊपर। यहाँ पे आपको जो है वो तकरीबन आपको ये समझ लें पॉलिश के और डीको के फर्नीचर देखने के लिए मिलेंगे। इनकी जो मेन ब्रांच है 13D फर्नीचर मार्केट के अंदर ही, बिल्कुल उसी के साथ इन्होंने एक और शोरूम की इफ्तिताह की है। उस शोरूम पे आपको जो है वो लेमिनेशन और एक्रेलिक के फर्नीचर मिलते थे, इस शोरूम पे आपको डीको और पॉलिश के फर्नीचर मिलेंगे। इसके अलावा किड्स फर्नीचर की वैरायटी, स्पेस सेविंग फर्नीचर की वैरायटी और मजीद फर्नीचर्स की वैरायटी इंशाल्लाह देखने के लिए आपको मिलती रहेगी। तो व्यूअर्स ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी चलेंगे जैन भाई की तरफ, जैन भाई से डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैन भाई माशाल्लाह से एक से बढ़कर एक वैरायटी आप लेके आ रहे हैं मार्केट को देखते हुए। 13D के अंदर जो रेट्स चलते हैं उसके अंदर जो है वो आप करीमाबाद वाले रेट लेके आ गए। बिल्कुल। तो सर आज सर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या ले आए? वेल भाई, मॉडर्न ग्लास का फर्नीचर लेकर आए हैं। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको बेड से स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न फर्नीचर दिखाते हैं आपको। जी तो फिर जैन भाई कहाँ से स्टार्ट लेंगे? वेल भाई स्टार्ट लेंगे सबसे पहले बेड से। तुर्किश डिजाइन का ये मॉडर्न टाइप का फर्नीचर बना हुआ है। इसके अंदर तुर्किश फैब्रिक का जो है वो हमने फैब्रिक यूज किया हुआ है तुर्किश। उसके अलावा इसके अंदर डिजाइन देखें, बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बनाया हुआ, बहुत ही डिसेंट सा। इसके साइड के अंदर देखें बॉर्डर वगैरह टोटल ब्रास का काम हुआ है, ब्लैक पॉलिश के अंदर ये सेट कहलाता है। इसके साइड टेबल्स देखिए बहुत यूनिक बनाई हुई है, जिसके अंदर ड्रॉस का जो अंदर का जो हमारा फ्रंट है वो पूरा ड्रॉस के अंदर जाके वो टच होता है, यानी कि उसके ऊपर भी फैब्रिक का काम हुआ है। और जो गोल्ड रिंग लगाई हुई है वो माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा यूनिक लुक दे रही है साइड टेबल्स को। ऊपर ग्लास का टॉप दिया हुआ है, स्क्वायर बना के पूरा फिक्स होगी ग्लास अंदर जो उसके अंदर बॉर्डर के अंदर पैक हो जाता है। ठीक है, ये देखें बिल्कुल प्लेन। ठीक है, उसके अलावा पाया वगैरह दिखाया है, बिल्कुल कॉलर्स वगैरह भी दिखाएं, देखिए कॉलर का पूरा बॉर्डर का काम किया हुआ, ये देखें पूरे बॉर्डर का जो मजबूती, बेड की हाइट भी अच्छी रखी हुई है, 5 फीट की बेड की हाइट है। इसके अलावा जो है इसकी मोटाई वगैरह आप चेक कर सकते हैं, पूरी चौड़ाई वगैरह मोटाई सारी चीजों का काम फिनिशिंग से किया हुआ है। साइड टेबल्स के पाए की बात करें तो कुल्फी वाले इसके नीचे पाए लगाए हुए। अच्छा, बेड के साइड पट्टियां और फुटबोर्ड की बात की जाए तो उसके ऊपर भी टोटल तुर्किश फैब्रिक का वर्क हुआ है, जो कि पायों में अक्सर कस्टमर हमारे पास आते थे वो बोलते थे हमें पैतियाने के अंदर जो फुटबोर्ड पे जिसे बोलते हैं उसके ऊपर हमें पाए का काम चाहिए, जो कि सफाई वगैरह करने के लिए आसानी रहता है क्लीनिंग करने में ना घर में, तो उस हिसाब से हमने इसके अंदर पायों का भी काम किया हुआ है। अच्छा, इसकी बात की जाए अगर कबर्ड की तो कबर्ड भी इसके अंदर बहुत रिसेंट स्टाइल की बनाई हुई है। ब्रास का पूरे बॉर्डर के ऊपर जो ये सब ब्रास है, टोटल ब्रास लगा हुआ है, एक्रेलिक नहीं है। ठीक है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ वीडियो के अंदर कि ये ब्रास का काम हुआ है। ब्रास जो है वो एक्रेलिक से काफी महंगी होती है, और स्टील का वर्क होता है वो स्टील की होती है, प्लास्टिक की नहीं होती है एक्रेलिक, काली नहीं पड़ती। और कारीगर की जो मजदूरी वगैरह जो होती है वो भी इसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, तो चार्जेस उसके एक्स्ट्रा ही होते हैं इसमें लगाने के। काम अच्छा होता है, प्रॉपर काम होता है अच्छा। उसके अलावा इसके हैंडल की बात की जाए, स्टील चाबी वाले लॉक लगाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टाइल की बनाई हुई। अंदर का पैटर्न दिखाओ तो हर डोर के अंदर मैग्नेट केचर लगाया हुआ, ये ड्रॉज आ गई उसके अंदर, ड्रॉज के अंदर भी देखिए गोल्डन नॉप लगाई हुई है। सही है, ड्रॉज की डेप्थ ज्यादा है। ठीक है, ये देखे सही है। इस वाले डोर की बात की जाए तो ये देखे इसमें हैंगर आ गया, इसके अंदर शेल्फ आ गए, नीचे आपका सेफ आ गया, और बराबर वाले में भी हैंगर ही होगा, इसके अंदर भी बिल्कुल हैंगर। ठीक है, और इसका साइज क्या है? इसका साइज है 6x6.5 का। और ये तीनों डोर अलग अलग हैं? तीनों डोर अलग अलग हैं, घर जाके जबकि ज्वाइंट हो जाते हैं, ज्वाइंटर लग जाते हैं, इसमें फिटिंग हो जाती है। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल की बात की जाए तो ड्रेसिंग टेबल बहुत डिसेंट स्टाइल की बनाई हुई है, ग्लास अच्छी क्वालिटी का लगाया हुआ है, मिरर इसके अंदर हमने पूरा बॉर्डर का ब्रास का काम हुआ है, टोटल इस पे भी ब्रास, टोटल फर्नीचर के ऊपर ब्रास का काम हुआ है। इसके अलावा इसकी ड्रेसिंग टेबल का जो नीचे का चेस्टर है उसके ऊपर भी ब्रास का काम हुआ, वो भी कलम बना के लगाया हुआ है। ऐसा नहीं कि सीधी आड़ी टड़ी काट के कारीगर ने, किसी प्रोफेशनल कारीगर का वर्क होता है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर जो रिंग वगैरह का भी काम, ये खोल खोल के दिखा दें दरवाजे, ये देखें 6 दराज हैं व्यूअर्स, इसमें डेप्थ वाली दराज है, सब पे फैब्रिक का काम हुआ है, तुर्किश फैब्रिक का काम हुआ है सबके ऊपर, ये देखें
पाए वगैरह सब अच्छी क्वालिटी के लगाए हुए, कुल्फी वाले पाए लगाए हुए इसमें, वो भी गोल्डन कलर के। और इसका साइज बताएं, इसका साइज है 4 फीट का, 4 इंच का। अच्छा, ये फिक्स है इसकी आरसी जो है? इसकी आरसी फिक्स होती है, बस अगर आपका कोई कस्टमर हमें बोलता है कि हमें ये अलग वॉल हैंगिंग के हिसाब से चाहिए तो वो भी आपको बना के वो भी बना के दे देंगे। कोई अगर लाइटिंग का काम कस्टमाइज करवाना चाहे, कोई राउंड में बोले राउंड मिरर चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता, सारी चीजें हो जाएंगी। तो जैन भाई माशाल्लाह से बेडरूम तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और अब जो है वो आप पॉलिश की और डीको में 3 पीस का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये आपको भी 4 पीस भी मिल जाएगा राहिल भाई। इसके अलावा जो है अगर आपका कोई व्यूवर्स आता है कि हमें इसके अंदर कपड़े के अंदर चेंजिंग करवानी है, तुर्किश का कोई और सा कलर लगवाना है, या पॉलिश आपने ब्लैक की हुई है बेडरूम के ऊपर, इसी बेडरूम को बनवाना है पर कलर्स हमें ब्राउन चाहिए, व्हाइट चाहिए, क्रीम चाहिए, तो वो सारे कलर्स भी आपको हमारे पास मिल जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा ये 3 पीस है, अगर कोई 4 पीस लेना चाहे, 5 पीस लेना चाहे, तमाम आपको वैरायटी हमारे पास मिल जाएगी। ठीक है, तो सर इसके रेट बता दें। इसके प्राइस की बात की जाए तो देखिए मार्केट के अंदर पॉलिश वाले सेट जो है वो इस क्वालिटी के, मतलब ब्रास का काम हो, तुर्किश फैब्रिक वगैरह सारा काम अच्छी क्वालिटी का, तो मार्केट में कम से कम भी 3 पीस जो है वो 2.5 लाख रुपए, 2,40,000 रुपए का चल रहा है। ठीक है, आपको फर्नीचर सिटी से हमेशा डिस्काउंट मिलता है, तो आपके व्यूवर्स को हमेशा डिस्काउंट के साथ इस बार भी इस सेट को हम डिस्काउंट के अंदर आपके व्यूवर्स को देंगे सिर्फ और सिर्फ 1,75,000 रुपए। 1,75,000 में 3 पीस पॉलिश वाला सेट, और वो भी एक मॉडर्न डिजाइन का। अब आप ये देखिए कि कितना मॉडर्न डिजाइन का सेट बना हुआ है, जिसमें आपको 3 डोर कबर्ड मिलती है, 22 इंची डेप्थ के अंदर 4 फीट की ड्रेसिंग टेबल, इसमें टोटल काम ब्रास का हुआ हुआ है, फैब्रिक का काम हुआ हुआ है, ड्रॉजो के ऊपर बेड कितना यूनिक बना हुआ है, सारा काम अच्छा हुआ हुआ है। ये आपको 1,75,000 में 3 पीस कितने रिजनेबल प्राइस हमने रखे हैं, जो कि मार्केट की निस्बत आपको 2,20,000, 2,25,000 रुपए के, 2,40,000 रुपए के रेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे बेडरूम सेट हैं जो कि मार्केट में 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, आपको हमारे पास से 1,20,000 रुपए का मिल जाएगा जबरदस्त बेडरूम सेट। अच्छा, अभी मैं ये पीछे देख रहा हूँ आपके एल शेप आपने ये रखा हुआ है तुर्किश कपड़े के अंदर पूरा, और इसके अंदर आपने जो फॉर्म लगाया हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे सर, इसके बारे में बात करना है सर। इसकी फॉर्म की बात करूं तो रायल भाई देखें टफ्टिंग का इसका जो हेडबोर्ड है टोटल जो रखा हुआ है वो हैंड रेस्ट वो सारा हमने बनाया हुआ टोटल तुर्किश के अंदर ही है, जिसके ऊपर भी तुर्किश का वर्क किया हुआ है, टोटल फॉर्मिंग का काम किया हुआ है, दोनों के अंदर मल्टी स्लिप वेल का फॉर्म यूज किया हुआ है 10 इयर्स वारंटी वाला। नीचे की बेस की बात की जाए तो इसके अंदर हमने कीकर का जो फ्रेम बनता है अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है उसका हमने फ्रेम बना के मजबूत लगा के अंदर शीट लगा के उसके बाद फॉर्मिंग की हुई है। तो उसके नीचे पाए की बात करी जाए तो लट्टू वाले पाए लगाए हुए शीशम के, 6-6 पाए लगाए हैं। बिल्कुल, पाए इसके अंदर ज्यादा यूं लगाने की वजह होता है सेंटर में अक्सर लोग नहीं लगाते, फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है ये सेंटर से ही डैमेज हो जाता है, सही, इसलिए इसके बीच सेंटर में सपोर्ट देने के लिए इसको हमने काफी मजबूत बनाया हुआ है। ठीक है, तो जैन भाई माशाल्लाह से ये टोटली जो एल शेप है ये 6 सीटर कहलाता है? 6 सीटर कहलाएगा ये, इसके ऊपर आराम से 6 बंदे आराम से बैठ जाते हैं। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं इस एल शेप के अंदर एक तरफ जो है वो हैंड रेस्ट है और दूसरी तरफ जो है वो दीवान स्टाइल है, और टोटली इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 8 इंच या 6 इंच का इसके अंदर, सर 6 इंच या 8 इंच है फॉर्म जो फॉर्म इसके अंदर 6 इंच का यूज, 6 इंच का व्यूअर्स फॉर्म लगा हुआ है इसके अंदर, नजूम का काम, टफ्टिंग का काम, तमाम चीजें जो है वो तुर्किश फैब्रिक यूज हुआ हुआ है इसके अंदर, फिर पूरे पे तुर्किश फैब्रिक है माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मैं चाहूंगा सर नए शोरूम की इफ्तिताह की खुशी में इस पे भरपूर डिस्काउंट लगा दें सर। रेलवे चले आपके व्यूवर्स के लिए Chapter 3 की ओपनिंग के लिए जो है वो मार्केट में तो ये है 70 का, बिल्कुल 65 का, बिल्कुल हमारे व्यूवर्स को आप क्या दे रहे हैं? आपके व्यूवर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए, 50,000 रुपए में तुर्किश के अंदर लोग जो है वो दे रहे हैं मलाई में। बिल्कुल, पर मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर ऑर्डर हम नहीं लेंगे जो हमारे पास रेडी में रखे हुए हैं, इसके और भी डिजाइन है मेरे पास, और भी कलर्स हैं, और भी इसके आपको मलाई वेलवेट के भी काफी सारे कलर्स हैं, सोफो की वैरायटी, एल शेप की वैरायटी आपको हमारे पास मिल जाएगी। मतलब रेडी में हमारे पास रखे हुए वो सेल में निकाल देंगे, मतलब सेल लगाई हुई है बेसिकली, कोई नया ऑर्डर नहीं लेंगे। चैप्टर 3 के ऊपर जो है वो हमने जब से ओपनिंग किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वॉकिंग कस्टमर भी जो आ रहा है उसको हम लोग कोशिश यही है कि कस्टमर बनाने के लिए हम लोग बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर जो है वो सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी चैप्टर 3 की हमने ओपनिंग की है तो माशाल्लाह जैसे जैसे हमारे पुराने कस्टमर को पता चलता जा रहा है वो विजिट कर रहे हैं, अगर कुछ चीज चाहिए तो लेने आ रहे हैं तो उनको हम रिजनेबल प्राइस के अंदर ही सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया जैन भाई, तकरीबन 1 महीने तक हमने ये सोचा कि 1 महीने में हम लोग ये मतलब 2023 के लास्ट तक की ऑफर है, फैक्ट्री प्राइस के अंदर हम चला रहे हैं ये तमाम चीजें इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जैन भाई, इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स आप तक लाजमी विजिट करेंगे, थैंक यू जी। तो व्यूअर्स आप लोगों ने देख ली एक जबरदस्त सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये फर्नीचर आपको अच्छा लगा होगा। एज पर कस्टमाइजेशन आप इसके अंदर कुशन का कलर भी चेंज करवा सकते हैं, बॉडी ब्लैक के ऊपर जो है वो पॉलिश हुई हुई है, आप इसको जो है वो शीशम के ऊपर या फिर आप ब्राउनिश के ऊपर एज पर कस्टमाइजेशन कोई भी कलर के ऊपर आप इसको बनवा सकते हैं।
ये सेट अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और फिर प्राइजेस की बात करें तो आप 13D फर्नीचर मार्केट को पूरी विजिट कर लें, 3-पीस फर्नीचर आपको इस रेट में कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर आउट क्लास बना हुआ है माशाल्लाह, यहाँ पर जो है वो आपको एक से बढ़ के एक फर्नीचर की वरायटी देखने के लिए मिलती रहेगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में नए फर्नीचर के साथ। अल्लाह हाफिज़।